The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right, today the topic is constipation. So constipation ke baare mein aapko kya pata hona chahiye, right? So we know that constipation means that किसी पर्सन को तीन या उससे कम बार मोशन हो रहे हैं एक हफ्ते में, तीन या उससे कम मोशन हो रहे हैं एक हफ्ते में, दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन. एंड दैट मोशन, दैट स्टूल, वो हार्ड हो सकता है, ड्राई हो सकता है, कई बार पेनफुल हो सकता है, हार्ड फीकस, फीकल इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब हार्ड होके वहाँ फंस सकता है. सो ऑल दीज कम इन कॉन्स्टिपेशन. एंड सभी को कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, राइट? मगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो लंबे समय तक चलता है उसे कहते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन. First and foremost, you need to understand and remember that concept, right? फिर बात आती है chronic constipation के बाद कि दूसरा सवाल कि कैसे आप constipation का treatment करें, right? So आप pass नहीं कर पा रहे हो, sign symptom हो रहे हैं आपको, कभी दर्द हो रहा है, कभी आपको हो सकता है पेट में issue आ रहे हैं, motion नहीं हो पा रहे, so आप relief कैसे करेंगे? Very very simple, there are some steps of doing this, right? Constipations का treatment के कुछ steps हैं. Number one step is exercise, right? Exercising regularly regulates your bowel movement. आपकी intestinal motility बढ़ती है, so that is good. Number two step is पानी. पानी खूब सारा पीना है. आपने 4 liter के आसपास liquid लेना है total. पानी नहीं पी सकते तो नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, whatever you want, दही दाल का पानी, whatever you want आप पी सकते हो. सो नंबर टू इज पानी. नंबर थ्री इज फाइबर. यू नीड मोर फाइबर. फाइबर ज़्यादा खाएंगे, चाहे सैलड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, खाना है जूस नहीं, सैलड्स फ्रूट्स खाइए, ये सब गोल खाइए, ये सब में फाइबर होता है. होल ग्रेन्स में फाइबर, मल्टीग्रेन थिंग्स, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन ब्रेड, उसमें फाइबर होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ट्राई टू वॉक, थोड़ा चलिए फिरिए, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, वट एवर यू वॉन्ट, एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 बार इतना करना है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट इज कि जब भी आपको मोशन का अर्ज होता है, देन वेन एवर यू हैव अर्ज, उसको रोकना नहीं है भाई साहब. कहीं भी हो, मीटिंग में है, ऑफिस में है, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट टेक अ ब्रेक, गो एंड रिलीव योर मोशंस, वरना वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में बदल सकता है. तो डू नॉट वेट, डू नॉट होल्ड योर मोशंस, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन यू कैन एक्चुअली ट्रेन, आप अपने मोशंस को ट्रेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आने, रुपये 6 बजे सुबह, 8 बजे सुबह, सुबह सुबह ऐसे ट्रेन हो जाता है. सो इफ यू डू दैट रेगुलरली, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्या खाना खाएं, What to eat when you have constipation. Number one, the most important point is do not skip your meals. Khana rokna nahi hai. Don't skip meals, right? Then avoid processed food. Processed ya fast food nahi khana hai. White bread, pastries, donuts, fast apna burger, pizza, sausages, potato chips, french fries, bahar se packet, kurkure phurkure, kuch nahi khana hai. राइट, नथिंग एल्स लाइक दिस, राइट? और जो कई सारे फूड है जो आपको खाने हैं हाई फाइबर वाले, जो हमने बताए हैं आपको, राइट? वो सारे आप खा सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल, राइट? होल ग्रेन फूड्स. देन नेचुरल लैक्सेटिव्स भी. लैक्सेटिव मतलब वो चीज़ें जो मोशन पतला करती हैं, जो निकाल देंगी. सो नेचुरल लैक्सेटिव अवेलेबल है, कई सारी चीज़ें जो आपके मोशंस को रिलैक्स कर सकती हैं. सेम थिंग जो हाई फाइबर फूड करता है, वो भी नेचुरल लैक्सेटिव भी एक तरीके से, थोड़ा सा हाई फाइबर फूड भी नेचुरल लैक्सेटिव होते हैं. सो दैट यू कैन डू, राइट? नेचुरल लैक्सेटिव्स में फ्रूट्स भी आते हैं, आपके पपाया, बनाना, केला, पपीता, काफ़ी सारे फ्रूट्स नेचुरल लैक्सेटिव, फ्रूट्स आर द बेस्ट ऑप्शन. देन पानी, जैसे मैंने कहा आपसे, राइट? हम नॉर्मल में तो 3 लीटर कहते हैं, लेकिन इंडिया के जैसे गर्म क्लाइमेट, गर्मी का मौसम, 4 लीटर के आसपास लिक्विड जरूर लेना है, राइट? दैट इज़ व्हाट यू नीड टू ट्राई, 3 to 4 लीटर्स एटलीस्ट, राइट? डॉक्टर से आप फिर बात कर सकते हैं, सिंपल आपके उम्र के अनुसार, आपके कंडीशन के अनुसार दवाई लेने का. दवाई जो है वो अच्छी चीज़ें होती है, दवाई के बारे में बाद में बात करेंगे. बट फ्रूट्स हमने बताया आपको, तो क्या क्या फ्रूट्स? बेरीज, आप एप्रिकॉट, प्लम्स, रेजिन्स, प्रूनस, पीचेज, ये सारे अच्छे हैं, ये सारे नेचुरली आपके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं. उसके बाद में ब्रेड्स हो गया, पैनकेक, पास्ता, ये सब चीज़ें भी एक होल ग्रेन
से बनी हुई चीज़ें खानी है। अगर कभी ब्रेड खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या होल मल्टीग्रेन ब्रेड खाना है आपको, राइट। या खुद बनाओ, ब्राउन राइस बनाओ, वाइट राइस की जगह फाइबर वाली चीज़ें खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, राइट। घर में पकी हुई वेजिटेबल्स ज़्यादा खा लो, दे ऑल्सो हैव फाइबर, राइट। देन कुक्ड सैलड्स या सैलड नॉन सैलड्स खाओ, बेक्ड सैलड्स खाओ, सैलड खाओ, बेसिकली सब्जियाँ खाओ, डैट इज़ गुड। दालें खा लो, दालों में अच्छे फाइबर्स हैं, दाल जितने भी ये है, चाहे वो कोई भी दाल हो, चाहे राजमा हो, किडनी बीन्स हो, चिक पीज हो, सोयाबीन हो, कोई भी दाल हो, राइट, डजेंट मैटर, राइट। फिर आप नॉनवेज खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो, लीन मीट्स खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, नो बिग डील। और स्नैक्स जैसे आप जो दूसरी छोटी मोटी चीज़ें हैं, पॉपकॉर्न हो गया, वो चीज़ें भी खाई जा सकती हैं, बट मेक श्योर जो भी खा रहे हो तो अच्छे से चबा के खाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज च्यू प्रॉपरली, ढंग से चबाओ, दबा के चबाओ, तब वो आपके डाइजेशन प्रोसेस में आराम से निकल पाएगा, और एल्स इट विल बी कॉजिंग अ प्रॉब्लम। तो चबाना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए कि आप थोड़ा बहुत फ्लैक्स सीड्स, थोड़ा बहुत वीट ब्रांड, थोड़ा बहुत योगर्ट, अपना दही, ऐसी चीज़ें, थोड़ा सूप अपने डाइट में रखें। उससे क्या होगा, ओमेगा 3 मिलेगा आपको, प्रोबायोटिक्स मिलेंगे, वो ज़रूरी है। दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन लैक्सेटिव, दवाइयाँ हमने आपको बताई, दवाइयाँ आपको मदद करेंगी, आपके डॉक्टर्स और आपको दे सकते हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ लैक्सेटिव्स आपका कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द रिलीफ कर सकते हैं। वो एक गोली हो सकती है, पीने की दवा हो सकती है, नीचे से डालने की भी आती है छोटी सी दवा, वो भी आती है, एनीमा भी होता है। सो दोज आर ऑल थिंग्स टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, राइट। सीरियस थिंग्स, सीरियस कॉन्स्टिपेशन होता है तो एनीमा दिया जाता है। सो देर आर थिंग्स, राइट। नहीं हो रहा, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, राइट, मेक श्योर। अगर नहीं काम कर रहा है ये सब चीज़ें, तब तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो मेक श्योर ज़्यादा दिन नहीं रुकें। उसके बाद लैक्सेटिव लेना है जितना आपको डॉक्टर ने बताया है। मैक्सेटिव्स को आप दूध में, जूस में भी मिक्स कर सकते हैं। ऑलवेज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अगर आप लैक्सेटिव ले रहे हैं तो पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी पतला होकर स्टूल में भी निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो पानी ज्यादा पिए, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नो बिग डील। लेना जरूरी है पानी, हर बार मोशन के बाद पानी देना जरूरी है, 1 गिलास, 2 गिलास, वट एवर यू कैन। और लैक्सेटिव्स को सेफली रखें, यानी कि बच्चे उठा उठा खा रहे हैं, मीठी गोली पी रहे हैं, मीठे दवाई ऐसा नहीं करने देना, ओके, मेक श्योर दैट। एंड बेफालतू की दवाइयाँ उठा के मत लेते जाइए, राइट। लैक्सेटिव्स भी उठा उठा के, नहीं ज़रूरत है फिर भी लेते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, राइट। अगर आपको लैक्सेटिव से कभी कभी रिएक्शंस आ सकते हैं, किसी को रैश, किसी को उल्टी, किसी को सोर थ्रोट, गले में कोई प्रॉब्लम, राइट, ऐसे हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट है तो अपने डॉक्टर से पूछ के ही लैक्सेटिव जैसी दवाएँ लें, याद रखिए, राइट। कई बार बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स होते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन को, आपके स्टूल्स को ज़्यादा बल्की बना सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर से सलाह से लैक्सेटिव ले, ना कि मैं केमिस्ट से उठा के भाई मेरे को पतला करने की दवा दे दो, ऐसा ना करें, राइट। डॉक्टर के पास कब जाना है, मोशन 3 दिन हो गए, मोशन नहीं हुआ, ब्लोटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, या लैटरिन में खून आ रहा है, बात खत्म, कुछ मत सोचो, डॉक्टर के पास जाओ, एक सर्जन के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, और कुछ नहीं, राइट, नथिंग एल्स, नो, क्या बोलते हैं उसको, नो डिस्कशन। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट कॉन्स्टिपेशन, कि कैसे हम कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। और कॉन्स्टिपेशन एल्डरली लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, राइट।